बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हेलो, मेरा नाम इमरान शहबाज है। मैं HSEQ कंसल्टेंट हूँ और ट्रेनर हूँ निबॉश क्वालिफिकेशंस के लिए भी। आज का जो हमारा टॉपिक है या जो निबॉश क्वालिफिकेशन क्वेश्चन आंसर सीरीज़ में हम क्वेश्चंस लेके चल रहे होंगे, GC2 की जो दूसरी वीडियो है क्वेश्चन आंसर्स पे, वो हम जो है वो आज बना रहे होंगे। तो अगर आप देखेंगे आपकी स्क्रीन पे जो है वो साथ आपको क्वेश्चन जो है वो पूरा दिखाई दे रहा होगा, जिसमें दो पार्ट्स का जो है वो क्वेश्चन अवेलेबल है। एक पार्ट क्वेश्चन जो है वो मोबाइल स्कैफोल्ड के हवाले से है, मोबाइल टावर स्कैफोल्ड के आइडेंटिफाई करें कि कौन से आइटम्स जो है वो आप चेक करेंगे मोबाइल टावर स्कैफोल्ड को यूज़ करने से पहले, प्रायर टू यूज़। और इसी तरह दूसरा जो आइटम है वो बेसिकली फोकलिफ्ट के हवाले से है कि आइडेंटिफाई करें रूल्स जो ड्राइवर को या ऑपरेटर को फोकलिफ्ट के फॉलो करने चाहिए जब वो अनअटेंडेड छोड़ के जाएगा फोकलिफ्ट को। सो बोथ क्वेश्चंस गिवन और एक्यूरेट क्वेश्चन और उनके आंसर्स भी जो है वो नीचे बाद में जो है वो आपको दिखाई देंगे। सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग द क्वेश्चन वन बाय वन। और इसके मार्क्स के मुताबिक अगर हम देखेंगे तो दो पार्ट क्वेश्चन है, 4 each मार्क्स हैं इसके। एक जो है वो फोकस कर रहा है बेसिकली आपके मोबाइल टावर स्कैफोल्ड को जो GC2 के सिलेबस से है, और एक जो है वो फोकस कर रहा है फोकलिफ्ट को जो के ऑल्सो GC2 के सिलेबस से है जी। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जो मोबाइल टावर स्कैफोल्ड के क्या चेक्स हो सकते हैं, क्या चीज़ें इंस्पेक्ट करेंगे प्रायर टू यूज़ फॉर मोबाइल टावर स्कैफोल्ड। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि वी कैन लुक एट बीइंग अ यूज़र के क्या उस पर ग्रीन टैग अप्लाई हुआ है या नहीं हुआ, फिट किया गया कि नहीं किया गया इंस्पेक्शन टैग जो है बाय द इंस्पेक्टर, ताकि आपको पता चल सके कि वो यूज़ के लिए ठीक है। इसके अलावा कंपोनेंट्स देख सकते हैं, कोई कंपोनेंट डैमेज तो नहीं नज़र आ रहा, अच्छी कंडीशन में है या नहीं है। इसके अलावा आप देख सकते हैं गार्ड रेल्स या आपकी ट्रेलिंग्स जो है वो मुहैया की गई हैं आपके मोबाइल टावर स्कैफोल्ड पे। आपकी जो एक्सेस लैडर है उसको वो देख सकते हैं वो मुहैया की गई है कि नहीं की गई। आपका एक्सेस डोर जो है वो टॉप पे मुहैया किया गया कि नहीं किया गया। इसी तरह जो है वो आप देख सकते हैं ब्रेसिंग्स जो है वो मुहैया की गई हैं कि नहीं की गई, और कंडीशन ऑफ स्कैफोल्ड किस तरह की है। तो 4 marks के लिए आप 4 different आइटम्स जो है वो आइडेंटिफाई करेंगे जो चेक किए जाने चाहिए प्रायर यूज़। इसी तरह अगर आप बात करते हैं सेकंड पार्ट जो है, जिसमें फोकलिफ्ट जो अनअटेंडेड जब छोड़ा है फोकलिफ्ट ऑपरेटर ने या ड्राइवर ने, तो उसमें आपने फोकलिफ्ट ऑपरेटर ने क्या चीज़ें इंश्योर करनी होंगी। सो फोकलिफ्ट ऑपरेटर जो है वो उसमें मेक श्योर कर सकता है कि उसके जो फोक्स हैं फोकलिफ्ट के वो नीचे हैं, ग्राउंड लोअर कर दिए गए, ऑलमोस्ट ग्राउंड के नज़दीक हैं। इसी तरह जो है फोकलिफ्ट ऑपरेटर या ड्राइवर मेक श्योर ये कर सकता है कि जी फोक्स जो है उनको टिल्ट कर दिया गया है ताकि जो अनकंट्रोल मूवमेंट है उसको रोका जा सके। इसी तरह फोकलिफ्ट ऑपरेटर या ड्राइवर जो है वो बेसिकली जो है वो उसके मास्ट को टिल्ट कर सकता है, ठीक है। इसी तरह फोकलिफ्ट ऑपरेटर या ड्राइवर जो है वो मेक श्योर कर सकता है कि की जो है वो उसमें नहीं छोड़ी गई, आपकी हैंड ब्रेक जो है वो अप्लाई की गई है, चोक ब्लॉक जो है वो उसमें एडिशनल प्रोटेक्शन के लिए लगाए गए हैं, फोक्स जो है वो जिस डायरेक्शन में है उससे पेडेस्ट्रियन वॉकवेज जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट नहीं हो रहा। सो दिस वुड बी द थिंग्स फोकलिफ्ट ऑपरेटर शुड चेक। अदर थिंग्स लाइक आपका अनऑब्स्ट्रक्टेड एरिया है, डेजिग्नेटेड एरिया है, या आपकी जो पार्किंग डेजिग्नेटेड पार्किंग है, ऑफ कोर्स वो भी चीज़ें कंसिडर की जा सकती हैं, बट दिस इज़ व्हाट आई बिलीव सो शुड बी कंसिडर्ड इन दिस पार्ट। सो आई होप आप आंसर देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे भी क्वेश्चन के मुताबिक। आइडेंटिफाई है तो नेम और टाइटल और रेफरेंस ऑफ एन आइटम आपने देना है इसमें, एक्सप्लेन करने की, डिस्क्राइब करने की, आउटलाइन करने की या गिव द मीनिंग की ज़रूरत नहीं है। सो आई एम वेरी श्योर गाइज दिस brief session will help you actually to understand the requirement of examination paper and how you can answer such questions in your examination.